आओ राग बसंत हिंडोल दे नादात्मक स्वरूप बारे जानिए। जिस तरह नाम तो ही स्पष्ट हो रहा है कि ए राग बसंत अते हिंडोल दो रागों के मिश्रण तो बनया है, बहुते संगीत विद्वान अजिहा मानते हैं कि आरोह बसंत दा अते अवरोह हिंडोल दा रखिए, दोवां नूं मिला दईए तां राग बसंत हिंडोल बन जाता है। राग बसंत हिंडोल विच दोवें मध्यम लगते हैं। वर्जित सुर इस विच ऋषभ है, इसका वादी सुर मध्यम अते संवादी षडज मन्या जाता है। इस राग नूं बसंत रुत विच किसी समय भी गाया जा सकता है अते उस तों इलावा इसका निर्धारित समा है दिन का पहला पैर। आओ आरोह अवरोह अते पकड़ बारे जानिए जी। सा गा मा धा प मा गा मा धा अवरो साने धामा गासा। मुख अंग जा पकड़ सगामा धापामा नीदामा दोवें मध्यम बाकी सुर शुद्ध ऋषभ दा वर्जित होना ये सारे लक्षण हैं राग बसंत हिंडोल दे। हुण एक झात असीं राग हिंडोल ते भी मारदे हाँ क्योंकि गुरमत संगीत दे साधक अते साडे बच्चे बच्चियां जो कि इस विषय विच रुचि रखते हैं राग विद्या लै रहे हैं। राग हिंडोल सा गा मा धा नी धा सा सा नि धा मा गा मा धा मा गा सा। जदों इस विच बसंत दे शुद्ध मध्यम दा होर शुद्ध सुरां दा प्रयोग हो जाता है तां इह राग बसंत हिंडोल अखवाउंदा है। इस प्रकार सा गा मा सा गा मा धा नी धा मा गा गा मा धा पा मा पा गा सा गा मा धा नी धा नी सा गा पा गा सा नी धा नी धा मा गा मा धा पा मा गा गा मा गा सा। जदों भी दो रागां दा मिश्रण हुंदा है तां उह मिश्रण करन दे कई ढंग हो सकते हन। ज़्यादातर गुरमत संगीत दे विद्वान बसंत हिंडोल राग नूं इस तरह ही गाउंदे हन, परंतु कई वार दोवां रागां दा मिश्रण तरह तरह नाल भी सुनाई दिंदा है। आओ सारे मिलके इस एक शब्द दा राग बसंत हिंडोल विच अते उस तों बाद पिछले होर रागां दे शब्दां दा कीर्तन सरवण करिए। सारे गुरु महाराज जी द्वारा बख्शिश की हुई बाणी का आनंद लईए, उस तो मार्गदर्शन लईए अते अपना जीवन सफला करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।